अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, फाइनली मैंने कॉलोनी में जो स्टिकर रह गई थी वो भी लगा दी थी, तो आज बाढ़ भी उसमें छोड़ेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि मेरे पास ग्रीन फिशर के जो है 10 पेड़ हैं, तो वो छोटे केज में मैंने रखे हुए थे। जब से ऊपर से इधर नीचे शिफ्ट किए बर्ड्स, तो कॉलोनी बनाता रहा। कॉलोनी तो अब तैयार हो गई है। तो ये वाले फ्रेंड्स ग्रीन फिशर हैं मेरे पास, तो ये टोटल ये 10 पेयर हैं। तो एक फिशर इसमें से कम है, क्योंकि वो एक ब्लू मास्क की फीमेल लगी हुई है ग्रीन फिशर के साथ। तो टोटल मिला के जो ये 10 पेयर बन जाते हैं। तो ये आपको हमने पहले इनकी ब्रीडिंग प्रोग्रेस वगैरह और बाकी भी वीडियो वगैरह आपने देखी होंगी पहले। तो इनको आज छोड़ेंगे, का जो नई कॉलोनी बनाई है इसमें, तो इसको आप केज को अंदर लेके जाते हैं। तो फ्रेंड्स, केज का दरवाज़ा असल में इस साइड में जगह थोड़ी कम थी, तो मैंने बस तकरीबन 18-19 इंची चौड़ा रखा है। तो लेकिन ये है कि ये केज जो 1.5 फुट का होता है ये घुस गया है इसमें। तो अभी ये है कि इनको निकालते हैं बाहर, कोई एक एक करके इनको निकालेंगे, छोड़ेंगे कॉलोनी में, ताकि इनकी सेटिंग बन सकें। तो देखते हैं फिर ये क्या करते हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद इनको खुली जगह मिलेगी। ये फ्रेंड दो ऊपर बैठ गए जाके स्टिक पे, बाकियों को भी हिला जुला के जो है निकालते हैं केज में। तो बाकी केज बड़ा है, इसका दरवाज़ा भी बड़ा है, तो यहाँ से ये आराम से इसमें से निकल जाएंगे। वो परेशानी नहीं होगी कि पकड़ के जो है तो छोड़ने पड़ेंगे, खुद ही वो निकलते जा रहे हैं सारे। तो सारे ही निकल चुके हैं तकरीबन, ये देख सकते हैं आप, केज खाली हो गया। तो सारे ही जो है अभी निकल के तो एक साइड पे ही चिपक गए, क्योंकि इनको पता तो नहीं है कि किधर बैठना है किधर क्या, क्योंकि नई जगह है इनके लिए। जाली के साथ ही चिपक गए हैं। तो स्टिकें मैंने 3 लगाई हैं फ्रेंड, ये स्टिक लगी हुई है जिस पे 2 आके बैठे हुए हैं। तो इनको थोड़ा सा कुछ घंटे टाइम लगेगा अभी यहाँ पर सेट होने में। तो ये अंदर से मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये देखें सारे एक ही साइड पे फ्रेंड्स का इकट्ठे हो गए हैं। तो ये बाहर से इनका व्यू, असल में बाहर में दरवाज़ा है मेन, तो वहाँ से लाइट ज़्यादा आ रही है, सूरज की रोशनी ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से ये ऐसे महसूस हो रहा है। ये देखें फ्रेंड्स आप, ये आस्ता आस्ता स्टिकों पे बैठना शुरू हो गए हैं। तो इसी तरह ये सब गुल मिल जाएंगे आपस में। और दूसरा ये है कि पेयरिंग तो इनकी वैसे भी पहले की हुई हुई है, क्योंकि ये ब्रीडर पेयर है मेरे, कॉलोनी वाले पहले वाली जो ऊपर कॉलोनी थी उसमें से मैंने इधर शिफ्ट किए हैं। तो लेकिन ये है कि जगह नहीं है इनके लिए, तो ये खुद ही सोच रहे हैं कि क्या हुआ है तो क्या नहीं, क्योंकि ये तकरीबन 2 हफ्ते तो ये छोटे से केज में ही रहे हैं। तो उसके बाद अब मैं यहाँ पे 2-3 हफ्तों के बाद इनको इधर मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, खुली जगह इनको मिली है। अब ये यहीं पर फ्रेंड्स जब तक ब्रीडिंग सीज़न आता है यहीं पर रहेंगे, तो उसके बाद जो है ब्रीड भी इनकी यहीं से ही लेंगे इंशाल्लाह। यहीं पे बॉक्स वगैरह या भटकियाँ दीता भी, तो उस टाइम उस हिसाब से देखेंगे। तो बाकी ये है कि फ्रेंड यहाँ पे इनके लिए वेंटिलेशन का मसला नहीं है। तो ये फ्रेंड मैंने अब दाना पानी भी इनको डालना था, तो वो भी आपके सामने ही मैं अब डाल देता हूँ इसको। तो ये जैसे ये मेरी तरफ देख रहे कि यहाँ रखूँ, तो फ्रेंड ये ऊपर से स्टिक का ध्यान रखना पड़ता है, ताकि स्टिक के नीचे जो है ना पानी आए ना दाना आए, क्योंकि ऊपर से इन्होंने बीटें करनी है, तो सारी जो है दाने पानी में चली जानी है, तो जैसे भी हो। तो इसलिए मैं थोड़ा सा साइड पे करके रख रहा हूँ। तो आप भी ये एहतियात किया करें कि जब भी आप इनको दाना पानी दें, तो ये कोशिश करें कि दाना पानी इनका जो है आप स्टिकों के नीचे नहीं आना चाहिए। तो ये मैंने थोड़ा सा साइड करके रख दिया। अभी मैंने इनको बर्तन वही छोटा दिया जो मैंने खुद बनाया था नीचे लकड़ लगा के, इसकी वीडियो भी चैनल पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। तो उसके बाद ये है कि फ्रेंड इसको मैंने वही स्टील वाली जो मेरे पास 10-12 इंच की वो ट्रे है, दाना तो मैंने उसी में देना है, लेकिन वो मैंने ऊपर से ले कर नहीं आया था, जिसकी वजह से अभी मैंने इसी में डाल दिया है। तो बाकी ये फ्रेंड इनको रात दिन लगेगा यहाँ पे सेट होने में। बाकी लकड़ी की बनी कॉलोनी है, इन्होंने काटनी भी काफ़ी सारी है, ये तो आपको पता ही है, इनकी तो मौज बन जानी है। अभी 2 महीने हैं ब्रीडिंग सीजन में। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर किसी न्यू नेक्स्ट वीडियो में।